दिसंबर के महीने में उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टी तमाम सवाल खड़े कर रही है। इसी को लेकर बीजेपी के नैनीताल जिले के जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के विकास को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के मुखिया लगातार देश और विदेश के दौरे करके समिट में लगभग 2.5 लाख करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निवेशकों को समिट में उत्तराखंड आमंत्रण आने का न्योता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में करोड़ों के निवेश उत्तराखंड में होने जा रहे हैं, जो रोजगार बढ़ाने और उत्तराखंड से युवाओं के पलायन को रोकने के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसके लिए बधाई देना चाहिए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसी तौर पर हमारे उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के कार्यों कर रही है और इसी क्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस ओर दृष्टि बनाए रखी है और उनका कहना था कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। निश्चित तौर पर इसी ओर को आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रयासरत हैं और इसी तरह नए निवेश को आकर्षित करने के लिए लगातार उनके प्रयास चल रहे थे और इसी क्रम में लगभग 50 से 40 हज़ार करोड़ के आसपास का निवेश वे आकर्षित कर चुके हैं। उस पर एमओयू साइन हो चुके हैं। इससे पूर्व वो इंग्लैंड गए और 12,500 करोड़ के आसपास का निवेश इंग्लैंड से आया। उसके बाद फिर दिल्ली में उन्होंने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। इसके साथ साथ ही भी हाल में ही आप यूएई दुबई से अच्छी संख्या में जो कि 10-15 हज़ार करोड़ के आसपास था, तो लगभग कुल मिलाकर के 50 हज़ार करोड़ के आसपास का निवेश एमओयू माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम के रूप में साबित हुआ है और निश्चित तौर पर इससे उत्तराखंड की आर्थिकी आगे बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार की ओर बड़ी पहल होगी।